नमस्कार दोस्तों, वीडियो में देखेंगे कनाडा बैंक के शेयर में 22 जून के लिए हमें क्या क्या नज़रिया दोस्तों बनाए कर रखना है। जो नोटिस कर सकते हो, कनाडा बैंक हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है, स्टॉक यहाँ से एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता देखने को मिल रहा था। दूसरा कंडीशन आप ये देखेंगे, स्टॉक यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये कंडीशन देख रहे हो कि स्टॉक अपना टेलन को रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉक एक सपोर्ट लाइन है, स्टॉक अपना सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इसी को सपोर्ट लेके प्राइस अभी ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी कंडीशन के लिए इसके जो रेजिस्टेंस लाइन है 316.80 का है रेजिस्टेंस लाइन। जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे 326 का रहेगा रेजिस्टेंस लाइन। जब इसका ब्रेकआउट होगा देन रहेगा 340 यानी कि 340.60 का रहेगा रेजिस्टेंस लाइन। दोस्तों, कनाडा बैंक के शेयर में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल्स पर ध्यान रखना चाहिए तो आपको देखने को मिलेगा 302.50 का रहेगा सपोर्ट लाइन। रेजिस्टेंस लाइन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 310.55 का। वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।